12 पे चलते हैं। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ फिगर बनाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन बना रही है और ये भवन क्या होगा, भूमि पर ही ना स्थित होगा। तो ये भूमि का आपका तल हो गया और इसके ये जो 7 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर से केबल टावर, तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो, यानी टावर जो होगा आपका बहुत बड़ा है ना, इससे बड़ा होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग इसके शीर्ष से, यानी कि भवन के शीर्ष से जब इस शिखर से इसको देख रहे हैं यहाँ पे, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, समझ गया ना। ये उन्नयन कोण यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। देखिए ये डॉटेड खींच देते हैं, ठीक है, ये आपका डॉटेड हो गया। चलिए अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ठीक रहेगा इस तरह से। देखिए ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन है, ध्यान से देखिएगा, 7 मीटर ऊंचा भवन है और इस भवन के शिखर यानी कि यहां से, ठीक है, एक केबल टावर, ये आपका ये पूरा ये जो लंबा है केबल टावर है, समझ गए ना। ये आपका जो है ये भवन है और ये जो है लंबा वाला ये क्या है आपका केबल टावर है, केबल टावर है, ठीक है, छोटा सा लिख दिए समझने के लिए। चलिए ये केबल टावर है के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, यानी कि यह कोण यहाँ पे, समझ गए ना। ये अवनमन कोण कितना डिग्री कह रहा है, तो ये अवनमन कोण कह रहा है 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई निकालनी है, टावर की ऊंचाई निकाल लेती है। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टावर की ऊंचाई जो है ना x मीटर मान लेते हैं, ये टोटल टावर की ऊंचाई कितनी है x मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर हो जाएगा, होगा ना 7 मीटर। चलिए यानी कि इसके मान की बात करें, यहाँ से ऊपर की तरफ ये मान की बात करें, तो ये आपका एक्स माइनस 7 हो जाएगा, एक्स माइनस 7 मीटर हो जाएगा। अब सोचोगे सर कैसे, तो देखिए टोटल आप एक्स माने है ना, तो ये वाला ये 7 है तो ये 7 हुआ और ये 7 हुआ तो x माइनस 7 ही ना होगा। चलिए नाम लिखते हैं उसके बाद देखते हैं, ए बी सी डी और ये बिंदु ई ले लेते हैं। यहाँ लिखे हैं कि माना टावर की ऊंचाई बराबर में x मीटर, टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर। और एक और काम करते हैं, लिखेंगे भवन और टावर के पाद की दूरी बराबर y मीटर है। चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हम लोग, y मीटर मान लिया, समझ गए ना, इसको हम लोग y मीटर मान लिया। तो ये y है तो ये भी y हो जाएगा, समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से, हम लोग यहाँ ये जो टोटल है ये टावर, उस AD को ना आप लिखे हैं x, तो यहाँ आपको पता है यहाँ पे कि ये ईडी जो है, ईडी आपके बीसी के तो बराबर होगा ही ना, ये ईडी बीसी के बराबर होगा, यानी दोनों 7-7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 आ गया। अब आपको निकालना है एई, तो एई निकालना है, तो आप पूरे एडी में से किसको घटाइएगा, तो ईडी को घटाएंगे, यानी कि एक्स माइनस 7 हो जाएगा, एक्स माइनस 7 मीटर, जो कि यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, एक्स माइनस 7 मीटर लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले लेके चलते हैं, यहाँ देखिए ये जो है 45 डिग्री, तो यहाँ वाला भी कोण 45 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, कैसे होगा, तो एकांतर कोण से यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल BDC बराबर हो जाएगा एंगल EBD, कैसे हो जाएगा, एकांतर कोण का युग्म है, इसलिए ये बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए ये समांतर है ना, तो एकांतर कोण के युग्म से ये बराबर हो जाएगा, एकांतर कोण का युग्म है इसलिए बराबर होगा। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि BDC बराबर में 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज BCD में, इसमें देखिए ये 90 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, तो आप देखिए ये आधार निकालने वाले हम लोग और ये लंब दिया है, तो टेन ही ना लेके चलना होगा। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि टेन थीटा वर्ग हम लोग जानते हैं लंब और बट्टा में आधार, यानी हो जाएगा टेन 45 बराबर में हो जाएगा BC
और बटा में सी डी, बी सी बटा में सी डी, ठीक है। यानी हो जाएगा यहाँ से आपका 10 45 का तो 1 होता है, बी सी का मान 7 है और सी डी का मान क्या है, वाई है, यानी वाई बराबर आ गया आपके पास 7, वाई का मान आ गया 7। चलिए तो यानी ये जब वाई 7 हुआ तो ये भी तो 7 ही हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में, ध्यान से देखिएगा ए बी ई कहाँ है, ए बी ई में, यहाँ देखिए ये 60 डिग्री दिया है ना, चलिए टेन 60 लेते हैं, तो टेन 60 लीजिएगा तो लंब बटा आधार यानी कि ए बटा में बी ई, यही ना होगा। चलिए तो इसका मान, तो इसका मान तो होता है रूट थ्री ए ई का मान, तो ए ई का मान है एक्स माइनस 7 और बटा में बी ई, तो बी ई है आपका वाई, ठीक है। चलिए तो आप देखिए ना, वाई का तो मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं ना, तो उसको नहीं रख देंगे यहीं पे, तो वाई की जगह यहाँ पे क्या रख देते हैं 7, क्यों, क्योंकि हमारा चूंकि वाई बराबर 7 ऊपर आ चुका है, यहाँ रख दिया। अब देखिए ये आके इसमें गुना कर जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7√3 बराबर में एक्स माइनस 7, तो माइनस का 7 उधर आके प्लस का, यानी कि 7√3 प्लस 7 एक्स का माना गया, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स बराबर कॉमन कर लीजिए यहाँ से 7, तो 7 कॉमन करिएगा तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर, समझ गए। तो इसलिए एक्स का ही मान निकाला था आपको, एक्स का ही मान निकाला था, टावर की ऊंचाई निकालनी थी, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर में 7√3 + 1 मीटर, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला